मुख्यमंत्री की जन सुनवाई में पहुंचे विभिन्न समाज के लोग, मुख्यमंत्री के सामने रखी अपनी अपनी समस्या, मुख्यमंत्री ने किया आश्वस्त। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में हो रही बैठक में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने सबको आश्वस्त किया। अजमेर लोकसभा संसदीय सीट से ब्राह्मण उम्मीदवार के लिए समर्थन के लिए कहा है और इसके लिए हमने हमारे ओर से सकल ब्राह्मण महासभा की ओर से माननीय श्री बीपी सारस्वत जी, जो कि अजमेर भाजपा के देहात जिलाध्यक्ष भी हैं, उनके नाम को आगे बढ़ाया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी इस मांग पर सकारात्मक विचार का हमें आश्वासन दिया है। इसके अलावा हमने समाज के जो और भी जो हमारी आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो बरसों पुरानी मांग है उसके लिए पुनः मुख्यमंत्री से आग्रह किया है, जिसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया है। इसके अतिरिक्त एक जो विशेष हमने मांग रखी है वो सर्व समाज के हित के लिए ब्राह्मण समाज ने सोचा है, वो शिक्षा लोन जो दिया जाता है उसके ऊपर हमने ब्याज मुक्त शिक्षा लोन की मांग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से की है, जिसके लिए भी उन्होंने हमें सकारात्मक आश्वासन दिया है। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी ब्राह्मण समाज की इन सभी मांगों पर पूरा विचार करेगी और हमें पूरा उम्मीद है कि वो हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। परशुराम जयंती पर छुट्टी की मांग भी हमने उनके सामने रखी है। हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि हमारी ये सभी मांगें पूर्ण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी सकारात्मक आश्वासन दिया हमें। आज हमारा रावत समाज दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की तरफ से मैडम से मुकाफित हुआ और उसके अंदर हमने हमारी जो सामाजिक और हमारे एरिया के हिसाब से जो भी मांगे थी वो हमने रखी। उनमें सबसे विशेष मांग हमारी रही कि हमें एक तो मगरा विकास बोर्ड जिस तरह है उस तरह से अजमेर मेरवाड़ा विकास बोर्ड का गठन किया जाए और हमारे लिए अलग से। दूसरा, हमने SPC के अंदर रावत समाज का रिजर्वेशन मांगा है। तीसरा, हमने माखुपरा के अंदर एक बड़ा बालिका विद्यालय की डिमांड की है, क्योंकि पूरे अजमेर ज़िले में सबसे ज़्यादा बालिकाएँ मगरे माखुपरा स्कूल में पढ़ती हैं। दूसरा, हमने प्रथम हमारे विजय सिंह जी, स्वर्गीय विजय सिंह जी MLA रहे माखुपरा से, अजमेर से MLA रहे, उनके नाम से स्कूल का नामकरण और उनकी मूर्ति अनावरण का हमने डिमांड की, जो मैडम ने दोनों ही मांगे मान ली है। इसके अलावा माखुपरा के अंदर हमारे पुराना चिकित्सालय पशु चिकित्सालय चल रहा है उसको हमने बड़े स्तर पर लार्ज स्केल पर बनाने की मांग की है, वो भी उन्होंने नोटिस में ले लिया और हाँ की उन्होंने। दक्षिण क्षेत्र में रहता हूँ, मेरे पिताजी आज़ादी फौज के सिपाही थे, मुझे 10वीं पास गवर्नमेंट ने STC कराए मसूदा से। 2006 में मैं RPC मेरिट में आ गया, 2006 में RPC लोकसभा में मेरिट में आ गया, उसके बाद भी मुझे नौकरी नहीं दी तो मैं कोर्ट की शरण में चला गया। कोर्ट ने मुझे शीतलता और राज्य सरकार में ढोल दी, राज्य सरकार के मैं भी चक्कर काट रहा हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हनुमान सिंह डिया है और मुकाम पोस्ट देवास वाया ब्यावर जिला अजमेर का निवास हूँ। ने हमारी सार्थक बातें सुनी सभी की और हमने पूरे ज़िले के गुर्जर समाज की जो मुख्य दिक्कतें थी उनके बारे में मंत्री जी को अवगत कराया हमने। इसमें थी हमारी गोकुल योजना की, जो पिछले कार्यकाल में मंत्री जी ने शुरू किया था लेकिन वो बीच में बंद हो गया, तो उनके बारे में हमारे गोवर्धन जी ने उस बताया कि साहब हमारी गोकुल योजना वापस शुरू होनी चाहिए, जो जानवरों को के माध्यम से प्लॉट और ज़मीन देने की बात थी कि सारे जानवर हमारे एक जगह होंगे। उसके एक थी हमारी गुर्जर समाज की जो जातिगत, और एक हमारी मुख्य समस्या थी कि अजमेर शहर के जो चारों तरफ गांव हैं उन सब में आज वो सारे गांव 400 से 500 साल पुराने पुराने गांव हैं लेकिन उनमें आज तक पट्टे इशू नहीं हुए। हमने वो बात रखी कि मैम हमारे पट्टे इशू होने चाहिए, क्योंकि जब शहर में कई कच्ची बस्तियां जो 25 से 30 साल की बसी हुई उनमें पट्टे इशू हो गए लेकिन जो 400 से 500 साल पुराने गाँव हैं उनमें आज तक पट्टे इशू नहीं हुए, तो वो पट्टे इशू होने चाहिए, क्योंकि हक तो उनका था, इतने सालों से वो बसे हुए हैं, जबकि आज उनको आगे छोटे से छोटा अधिकारी भी आके टोक देता गांव में कि यार ये है वो, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो इसके लिए भी आश्वासन दिया है कि नहीं, उसका भी कोर्ट में स्टे लगा है और जैसे ही होगा हम तुरंत उस पर जल्दी से जल्दी हम करवाएंगे, ये हमें आश्वासन दिया। आज माली समाज की तरफ से एक कई तरह के ज्ञापन दिए गए, एक और उस ज्ञापन का अच्छा प्रोफेशनल मिला और हाथों हाथ समस्याओं का समाधान किया गया। क्या समस्याएं थी ज्ञापन में आपने क्या? हमारे एक तो माली समाज की एक नाले की समस्या थी, गड्डी मालियान से निकलता जो एक स्कूल टेकड़ी स्कूल है किलानीपुरा रोड पे, उसकी इस विषय में था। एक अन्य फूल मंडी और ऐसे फूल व्यवसाय के लिए दुकान अलॉट कराने के लिए था। इस प्रकार कई तरह के मुद्दे थे, पाल मिश्रा का था रोड का। क्या मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया? मुख्यमंत्री सब पे पॉजिटिव आंसर दिया और मतलब सबसे तुरंत कार्रवाई करने के लिए सभी मुद्दों में सरकार का है। हम सभी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू लगते हैं। हम मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करने आए थे कि हमें जो सैलरी दी जाती है ठेकेदार के माध्यम से दी जाती है और ठेकेदार उसमें भी काट के हमें मुश्किल से 5-6 हज़ार रुपये देता है और हम जो ऑपरेटर से सरकारी कर्मचारी के बराबर ही सारा अवकाश के दिनों को छोड़ के सारा कार्य करते हैं,
तो इस प्रकार का भेदभाव, क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा पेमेंट और हमें कम दिया जा रहा है। आज के समय में आप जानते हैं कि भाई 5-6 हज़ार से कुछ गुजारा हो नहीं पाता है। तो हम निवेदन करने आए थे लेकिन हमें अंदर मौका नहीं मिल पाया हमारी बात रखने का। हमने लेटर ज्ञापन जो है कलेक्टर सर को भी दिया है और यहाँ पर भी दिया है, पर अपनी बात रखने का मौका हमें नहीं दिया गया है मैडम से। हम बस ये चाहते हैं कि वे ठेकेदार के माध्यम से ना रखे, डायरेक्ट रखा जाए और हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। इसमें माली समाज ने काफ़ी संख्या में नेतृत्व में यहाँ पर पधारे और अपनी समस्या रखी और सभी ने अपने अपने अच्छे मुद्दे उठाए। मैंने भी मेरे वार्ड की जो माली समाज की जो समस्या थी, नो कंसेंट जोन के अंदर माली समाज की ज़मीनें थी और माली समाज लोग रहते हैं और मेरे वार्डवासी भी रहते हैं, वह मूलभूत जो आवश्यकता थी सड़क नाली बिजली पानी की समस्या से बहुत जूझ रहे थे, उनके लिए वो मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी इस बात को और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया जल्दी इस समस्या से निवारण मिल जाएगा हमको और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इसके अलावा हमने कब्रिस्तान की बात रखी है, कब्रिस्तान के पास में शमशान घाट बनाने के लिए एक बात रखी थी। तोपदड़ा स्कूल का जो ग्राउंड है वो काफ़ी सालों से क्षतिग्रस्त हुआ है, वहाँ राज्य स्तरीय टूर्नामेंट कराने के लिए और उसको अच्छा बनाने की बात रखी, राजा सर्किल चौराहे को अच्छा भव्य सुंदर बनाने के लिए और वहाँ वीर कुमार जी का स्टेचू बनाने की बात रखी गई और आर एस सी भी जो वाला ब्रिज गया उसके पास में जो खाली जगह है वहाँ पर हमने एक 25 बेड का हॉस्पिटल बनवाने की मांग रखी गई है और बाकी मेरे माली समाजों ने काफ़ी संख्या में अपनी संख्या उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी अपनी समस्या रखी और मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने सबको अच्छे से सुना और सबको आश्वासन दिया और हमें उम्मीद है कि वो सारे काम हमारे जल्दी पूरे हो जाएंगे।